इतने सारे बच्चे हैं जो जमनालाल बजाज के नाम पे सीईटी देते हैं। मैं तो ऑलवेज यही कहूंगा कि बुरा मत मानना, तुम्हारी 15 साल की एजुकेशन हुई है यार, तुम्हारी 15 साल की एजुकेशन हुई है। तुम इतने गधे नहीं हो सकते कि तुमको ये नहीं पता कि 5 साल से एग्जाम की ठुकरी है, ये एग्जाम 5 साल से कांड कर रही है। वो एग्जाम बेवकूफ नहीं है, तुम बेवकूफ हो क्योंकि तुम सीईटी को ज्यादा भाव देते हो। वो नल्ला एग्जाम है, उसको देना भी चाहिए, उसको बॉयकॉट करना चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दीज पीपल कांट इवन कंडक्ट वन ब्लडी सिंगल एग्जाम इन अ प्रॉपर वे। देयर आर सो मेनी फकअप्स इन दैट एग्जाम। एक एग्जाम ये लोग ढंग का नहीं कंडक्ट कर सकते हैं, पथेटिक है ये। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, अगर तुमको समझ रहा होगा तो। बिकॉज बाकी तो कोई बोलेगा नहीं, वो आएगा वो लोग आके आपको बोलेगा जब बजाज करो बजाज करो, तुम लोग क्रैश कोर्स लेगा, तुम लोग वही गधों के जैसा पढ़ाई करते रहेगा बजाज के लिए। तुमको ये नहीं पता कि यार ये एग्जाम का कंडक्ट ही बेकार है, और ये अभी से नहीं हो रहा है, ये 4 साल से हो रहा है भाई मेरे। तुम्हारे पास इंटरनेट है, तुम्हारे पास इंस्टाग्राम है, तुम्हारे पास पूरा का पूरा एक्सेस है इंफॉर्मेशन का। अरे भाई, तुम एक होटल ढूंढने के लिए या फिर एक खाने का आउटलेट ढूंढने के लिए 10 घंटे का रिसर्च कर सकते हो तुम इंटरनेट पे, एक एग्जाम का रिसर्च नहीं होता तुम्हारे से। तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम वो एग्जाम देते हो, वो एग्जाम का दुर्भाग्य नहीं है, उस एग्जाम को कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो पॉइंट? अब तुमको मैं बोलूंगा तो तुमको अच्छा नहीं लगेगा, बट यही रियलिटी है। 15 साल के एजुकेशन करने के बाद भी अगर तुमको ये समझ में नहीं आता कि दिस एग्जाम इज सो ब्लडी फक्ड अप इन इट्स कंडक्ट, व्हाई वुड यू वांट टू गिव दैट एग्जाम मैन, व्हाई वुड यू वांट टू गिव दैट एग्जाम? 50 मार्क्स का क्वांट्स बोल के अगर कोई 80 का क्वांट्स देता है, आई वांट टू नो व्हाट द स्मोकिंग मैन, बट दिस इज नॉट हैपनिंग एंड नोबडी इज गोना रेज दिस क्वेश्चन। नोबडी केयर्स अ फक अबाउट रेजिंग दिस क्वेश्चन। मैं यहां पे आके ब्लंटली बात करता हूं बच्चों के लिए, जिसको समझता है वो फॉलो करता है ना। तो यार ये एग्जाम देना ही बेवकूफी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम बीइंग वेरी ब्लंट अबाउट इट। अभी तक वो एग्जाम का डेट एक्सटेंड हुआ है, अभी भी क्लियरिटी नहीं है कि सबके लिए रीटेक होगा या नहीं होगा। तुम लोग एक एक साल पढ़ाई करते हो ये सीईटी नाम की एग्जाम के लिए, एक एक साल तुम लोग अपना लगाते हो। एक साल में तुम लोग क्या क्या अचीव कर सकते हो? 2 लाख की सैलरी मिल सकती है, तुम्हारा घर का चूल्हा जल सकता है, तुम्हारा एक सर्टिफिकेशन हो सकता है, 21 के 22 हो सकते हो तुम, 22 के 23 हो सकते हो तुम। तुम एक साल देते हो इस एग्जाम के लिए और वो एग्जाम एंड में ये फकअप करता है। 2 बजे वाला जो स्लॉट था तुम्हारा जो स्लॉट 2 था 2-3 बजे वाला, वो 12 बजे तक है। स्टूडेंट कम्युनिटी बींग सो हेल्पलेस इज नॉट हैपनिंग, मतलब मैं और बाकी अच्छे वर्ड भी यूज कर सकता हूं बट मुझे नहीं करना है। इट्स नॉट गुड, इट इज नॉट गुड। सो जिस दिन तुम लोग बोलोगे ना कि सीटीवीटी हमको नहीं देनी है, उस दिन ये लोग बराबर से एग्जाम कंडक्ट करना चालू करेंगे। बिकॉज इनको पता है तुम कंडक्ट करो नहीं करो, स्टूडेंट तो है ही बेवकूफ, लाख गधे तो आ ही जाएंगे, वो तो फॉर्म भर ही देंगे, सीईटी तो दे ही देंगे, हम एग्जाम कंडक्ट करें ना करें क्या फर्क पड़ता है। एंड बजाज को भी फर्क नहीं पड़ता, सिग्नम को भी फर्क नहीं पड़ता, किसी को फर्क नहीं पड़ता, फर्क तुमको पड़ना चाहिए। तो मैं पहले से कह रहा हूं, सीईटी का जो एक कंडक्ट करने का जो चीज है वो गलत है भाई। अगर आप अपनी करियर एक सीईटी एग्जाम पे ऊपर अगर रखते हो, पुटिंग योर ट्रम्प कार्ड ऑफ योर करियर ऑन सीईटी एग्जाम, तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। एज अ ब्रदर आई एम टेलिंग यू, तुम्हारे अगर मैं तुम्हारी फैमिली का मेंबर हूं तो मैं तुमको ऐसे ही चमकाता जैसे मैं तुमको वाईटी पे चमकाता हूं। बिकॉज वाईटी पे तुमको बहुत सारी मीठी मीठी बातें करने वाले लोग मिलेंगे, शक्कर खा के आते गुड़ खा के आते, मेरे ख्याल से तुमको कोई नहीं चमकाएगा, तुमको कोई नहीं डांटेगा। बट अगर तुमको यू कांट चेंज सिस्टम, यू कैन नॉट चेंज सिस्टम, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन चेंज योर एटीट्यूड एंड यू कैन चेंज योर सेल्फ एंड योर थिंकिंग, है ना। तो मेरे ख्याल से अभी भी वही चलेगा, सीईटी का वापस कांड होगा, वो अभी वापस कुछ कोर्ट उसको वापस चमकाएगा, फिर वो कुछ लेके आएगा। इट्स नॉट हैपनिंग यार, इट्स नॉट वर्थ द टाइम टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो आई थिंक यू शुड नॉट इवन, सो दोज हु आर गनिंग फॉर सीईटी नेक्स्ट ईयर, प्लीज अपना पैसा अपना टाइम अपनी मॉम डैड की ख्वाहिशें इनको मिट्टी में मत मिलाओ प्लीज। बहुत सारे एग्जाम है, कैट है, जैट है, सब सब एग्जाम है, तुम सब एग्जाम दे सकते हो। और अगर तुमको बजाज में जाना ही है तो तुम सीमैट दे दो ना यार, तुम जैट दे दो, और अगर सीटी हुआ तो हो गया। मैं तो इतना तक कहने के लिए तैयार हूं, जिस दिन जमनालाल बजाज का फीस 20 लाख होगा, जिस दिन बजाज का फीस 20 लाख होगा, भावनाएं बदल जाएंगी, जज्बात बदल जाएंगे, एंड गिव इट टू यू ऑन अ बॉन्ड पेपर, ठीक है। सो यू आर नॉट अ स्मार्ट पीपल इफ यू आर बैंकिंग ऑन दिस वन ब्लडी एग्जामिनेशन। क्या बोलने का अभी?